है, जो मेटल ऑक्साइड थी, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने एसिड से करवाई, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था साल्ट का प्लस वाटर का, और प्लस में क्या रिलीज हो रही थी वहां पे CO2S, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, इतना सभी के सुनने आ गया था क्या? और ये ध्यान रखना, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है, ठीक है, ध्यान रखना, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है, ठीक है। आज हम बात करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। आज डेट है 07/07/2021, क्लास है आपकी 10th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं रिएक्शन ओ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। कल की क्लास में हमने मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई थी, आज हम यहां पे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। सर फिलहाल दो गाना है, दो गाना सुना, सर स्कूल रीओपन होगी, हाँ रीओपन होगी, अभी फाइनल नहीं है, ठीक है, 15 जुलाई से खोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन अभी फाइनल नहीं है, ठीक है, मोहर नहीं लगी है कब खुलेंगे, ठीक है, 15 जुलाई के लिए अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, और वो भी 9th से लेके 12th तक, छोटी छोटी क्लासें अभी ओपन नहीं होंगी क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, गवर्नमेंट चांसेस नहीं ले सकती, ठीक है बेटा, इसलिए आपकी जो क्लासें हो रही है ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन क्लास का आनंद ले, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, तो यहाँ पे ध्यान रखना नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यहाँ पे लिखना है, दो तीन लाइन लिखनी है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें नॉन मेटलिक ऑक्साइड ऑक्साइड आर बेसिक इन, बेसिक नहीं यहां पे लिखेंगे एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, जबकि मेटलिक ऑक्साइड थे उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैंने बताया अभी यहां पे कि नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस यहां पे बनेगा सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये याद रखना कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड है उसके रिएक्शन हम यदि बेस से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, सोल्ट मिलता है और प्लस में
वोल्ट मिलता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है देखो। पहला एग्जांपल है, यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन जुड़ गया तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, बेस के रूप में हम यहाँ पे ले लें CaOH2, यहाँ पे हमने इसके नीचे लिया CO2 प्लस में, और यहाँ पे ले लिया हमने CaOH2, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है CaCO3 प्लस में H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस में ये बनता है यहाँ पे वाटर। सभी अपना वीडियो विजिबल करें बेटा, से अगेन विजिबल योर वीडियो। हाँ, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं तो यहाँ पे सोल्ट बनता है, तो यहाँ पे वाटर बनता है। दूसरा एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NaOH, और यहाँ बनता है Na2CO3 प्लस में H2O। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं, यहाँ पे हमने बेस लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे जो बेस लिया है हमने लिया है सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बन रहा है सोडियम का कार्बोनेट और प्लस में वाटर। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। बेटा स्क्रीन शॉट ले लिया करो आप। तीसरा एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पे मैं, दो एग्जांपल होंगे, एक एग्जांपल और लिख देना। तीसरा एग्जांपल है हमारा CO2 प्लस MgOH2। तीसरा एग्जांपल है हमारा CO2 प्लस MgOH2, और यहाँ पे बनता है MgCO3 और प्लस में H2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम, यहाँ पे है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, और यहाँ पे है ये वाटर। ठीक है बेटा, तो हमने बताया कि नॉन मेटलिक, ये क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड,
है, और ये क्या है यहाँ पे बेस, क्या है ये हमने बेस लिया है, और यहाँ पे ये क्या है सोल्ट, और यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने जब मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई थी, एसिड से करवाई थी, तब वहां पे तीन चीजें बन रही थी, वहां पे सोल्ट बन रहा था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, वहां पे वाटर बन रहा था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम बेस से करवाते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें बनती है, सोल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले और सुनो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम बात करेंगे अपना जो रिमेनिंग मटेरियल है उसकी आने वाली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे।